हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग एजुकेशन सेंटर। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कुछ हैक्स जो इम्प्रूव करेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी, साथ ही साथ आपके स्टडी रूटीन को भी बेहतर करेंगे। तो बिना स्किप करे वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो हमेशा मॉर्निंग में टाइम से उठे, क्योंकि यदि आप मॉर्निंग में टाइम से उठते हैं तो दिन भर का आपका टाइम काफ़ी प्रोडक्टिव जाता है। सेकंड जो आपके लिए टिप होगी वो होगी टू डू लिस्ट रात में ही बना करके सोएं, क्योंकि अगर आप रात में ही टू डू लिस्ट बना करके सोएंगे तो आपका नेक्स्ट डे ये सोचने में वेस्ट नहीं होगा कि आपको क्या करना है। अपना सबसे हार्ड वर्क जो होगा वो आप अर्ली मॉर्निंग में कंप्लीट कर लें ताकि आपको दिन भर ईजी वर्क करने हो, और जो मॉर्निंग में हमारा टाइम होता है उसमें हमारा माइंड काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होता है, हम अच्छे से वर्क कर पाते हैं, कम टाइम में ज़्यादा इफेक्टिव वर्क कर पाते हैं। तो मॉर्निंग में हमेशा अपना हार्ड वर्क कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट होगा हमेशा जो स्मॉल टास्क होंगे वो साथ के साथ ही कंप्लीट कर लें। इट मीन्स यदि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप मैप का वर्क साथ के साथ कंप्लीट कर लीजिए, यदि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप डेट्स कंप्लीट कर लीजिए, साथ के साथ ही लर्न कर लीजिए। तो जो छोटे छोटे चीज़ें होंगी वो आपको साथ के साथ कंप्लीट कर लेनी है, सब्जेक्ट के वो आपको पेंडिंग नहीं छोड़नी है। नेक्स्ट होगी प्रोक्रास्टिनेशन से बचिए, टालने की आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा यदि आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस एंड टेक्निक्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, तो आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है स्टूडेंट्स। यदि आप अपने गोल पे फोकस करेंगे तो आप जल्दी उसको अचीव कर पाएंगे, आपको इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमेशा अपने गोल पर फोकस रखना है। नेक्स्ट होगा मोटिवेशन, मोटिवेशन बनाए रखना है पूरी जर्नी में, जब तक आप एग्ज़ाम पास नहीं कर लेते हैं और उसके बाद भी यदि आपका कुछ और भी बड़ा एम है तो भी आपको मोटिवेशन बनाए रखना है। उसके लिए आप मोटिवेशनल कोर्स पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल लोगों के थॉट्स पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ उनके पोस्टर्स अपने स्टडी रूम में पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा बाय क्वालिटी स्टेशनरी, आपको जो है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है स्टेशनरी का, आपको क्वालिटी इंक्रीज़ करनी है, आपको क्वालिटी बढ़ानी है स्टेशनरी की, क्वांटिटी आपको इंक्रीज़ नहीं करनी है। आपको अच्छी बुक्स रखनी है, स्टैंडर्ड बुक रखनी है और लिमिटेड बुक्स रखनी है। लिमिटेड बुक्स ही आप पढ़ पाएंगे, उसका बार बार रिविज़न करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। नेक्स्ट होगा टाइम टेबल, चार्ट्स वगैरह अपने टेबल के आसपास जरूर पेस्ट कर ले ताकि आपको पता हो आपको कब कब क्या क्या कार्य करना है। नेक्स्ट होगा आप चाहे तो अपने जो नोट्स होंगे वो आप उसको डिजिटली लिख सकते हैं, क्योंकि यदि आप उसको डिजिटली लिखते हैं तो उसमें आपका एडिटिंग का टाइम वेस्ट नहीं होता है, आप इजीली उसमें एडिट कर पाते हैं, उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता है और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है यदि आप डिजिटली अपने नोट्स बनाते हैं। नेक्स्ट होगा रिविज़न मेथड्स, आजकल बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है रिविज़न के, आप किस किस तरह से रिविज़न करना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। आपको बहुत सारे आजकल एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं रिवीजन के लिए, बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल है रिवीजन के लिए, तो आप रिवीजन जरूर करिए और 3 से 5 बार रिवीजन जरूर करना है किसी भी कॉन्सेप्ट का, यदि आप उसको एग्ज़ाम से पहले ही आपको उसको 5 बार रिवीजन कर लेना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वो टेस्ट सीरीज दीजिए, टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज देंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस इन्हेंस होगी, वो आपको टाइमली कम्प्लीट करना है ताकि आप उसमें अच्छा परफॉर्म करें और अपनी गलतियाँ उसमें चेक कर ले। इट मीन्स आपको उसको इवैल्यूएट भी करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होगा ट्रैवलिंग टाइम, यदि आप कहीं जाते हैं बस में या फिर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या फिर आप किसी अदर पब्लिक व्हीकल में ट्रैवल करते हैं, आप कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आपको उसका अपना ट्रैवलिंग टाइम जो है यूटिलाइज करना है। उसके लिए आप अच्छे से उसमें बैठ करके पढ़ सकते हैं, उसमें आप अपने नोट्स को रिवाइज भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड लास्ट वन होगी स्पेस, अपना जो स्टडी स्पेस रखना है वो आपको बहुत ही अच्छा रखना है ताकि वहाँ पे गुड वाइब्स आए, कंफर्ट हो पढ़ने के लिए और आपका मन करे बार बार पढ़ने का, तो काफ़ी शांति वाला वातावरण वहाँ पे रखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नई वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी।